बिहार में पहले तो हम बता दें कि शिक्षा नाम का कोई नींव है ही नहीं। शिक्षा व्यवस्था को इन लोगों ने खराब करने का काम किया, और शुरू से ही हम लोगों ने भी सदन हो या सड़क हो, हर एक जगह आप लोग का बात, स्टूडेंट का, नौजवानों का हम बात रखने का काम किए, और पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था है वो बिहार का खासकर कोमा में चला गया है, कहीं से हिल डुल नहीं रहा, किसी भी तरीके का कोई भी गतिविधि नहीं हो रहा, जिसको लेकर के छात्र लोग दिसंबर से ही लोग बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके परीक्षा नहीं हुआ, और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ वहाँ परीक्षा में, जहाँ बता रहे थे आप कहाँ, सीतामढ़ी में छेड़छाड़ हुआ, परीक्षा समिति जहाँ है वहाँ सेंटर पे किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। और ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि 24 तारीख को हमारा सदन खुलेगा, और उसी 24 तारीख को सदन में हम सरकार से जवाब मांगेंगे क्या होगा, और आप लोग का बात को रखने का काम करेंगे, और पूरे तरीके से हम अपने तरफ से आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, और अपना राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से भी, अब जब हम वहाँ उठाएंगे आवाज तो ये सारा बात तो रखेंगे ना, आप मेमोरेंडम में आप हमको लिख करके दे दीजिए, आप मेमोरेंडम में आप बना करके हमको देने का काम कीजिए, होश में रहना है, जोश को ऐसी नहीं करना है, और पूरे तरीके से चाह रही है सरकार की पूरे तरीके से संगठन पूरे तरीके से, और जितना भी आप लड़कों लोगों का है, स्टूडेंट लोगों का है यहाँ पे, आप जैसा कि लड़का नौजवान बता रहा है कि पुलिस आप लोगों को आकर के बार बार ऐसी कह रहा कि ऐसी करो नहीं तो लाठी चार्ज करो, तो आप लोग आप बता देना चाहते हैं कि आप लोग बिहार की मिट्टी के नौजवान हैं, किसी लाठी या गोली या बंदूक से डरने वाले नहीं, और मेरा पूरे तरीके से आपको सपोर्ट मिलने का काम होगा, और अगर वो आंदोलन करना चाहते हैं आप आंदोलन कीजिए, आपका अधिकार है आपका आंदोलन करने का, लेकिन जो जिस तरीके से डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन आप लोग भंग नहीं करना है, डिसिप्लिन बनाते हुए आप लोगों को अपना मांग को उठाने का काम करना है, और 24 तारीख को आपका बात को वहाँ हाउस में हम उठाने का काम करेंगे।